संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन है और आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष आज फिर से सरकार से अडानी और हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग कर सकता है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने अडानी मामले में जेपीसी गठन की मांग को लेकर कार्य स्थगन का नोटिस दिया है। राज्यसभा में भी कांग्रेस के सांसद डॉक्टर नसीर हुसैन ने नियम 267 के तहत सदन की कार्यवाही को स्थगित करने और अडानी मामले में जेपीसी के गठन में सरकार की नाकामी पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर बीजेपी ने मांग की कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार अडानी मुद्दे पर जांच से भाग रही है। और कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राहुल गांधी के बयान को एक बड़ा मुद्दा बनाया। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोला है। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता एक सवाल उठाए और वो जो सवाल उन्होंने उठाया था हमारे सदन को कोई संबंध नहीं था, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में जो राहुल जी ने वहां के कॉलेजों में और सेमिनार में कहा था उस बात को उन्होंने राज्यसभा में उठाया। एक तो रूल्स के तहत ये गलत है। रविंद्र कुमार और जानकारी के साथ हमारे साथ है। रविंद्र, कहां तो विपक्ष सोच के आया था कि सरकार को घेरेंगे, यहां तो सदन शुरू होते ही सरकार ने घेर लिया राहुल गांधी को। आगे स्ट्रेटजी क्या रहेगी? बिल्कुल, कल की जरा जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की थी आज भी वही रहने की है, क्योंकि विपक्ष ने कई तरह के नोटिस दिए हैं दोनों सदनों में, आपने देखा है, और वो चाहते हैं कि अडवाणी मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरे और इसको लेकर हंगामा बरताया जाए। लेकिन सरकार का कहना है कि राहुल गांधी जो अडानी मसले को उठाना चाहते हैं, पहले वो देश को जवाब दें कि उन्होंने संसद का अपमान कैसे किया, लोकतंत्र का अपमान कैसे किया, कैसे उन्होंने अमेरिका यूरोप को एक सलाह दे रहे हैं कि वो भारत में हस्तक्षेप करे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी माफी मांगे, और जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता के साथ इस तरह के कहीं ना कहीं हमलावार हो रही है सरकार, तो जाहिर सी बात है बैकफुट पर है विपक्ष। हालांकि आज खड़गे ने 17 पार्टियों के साथ एक बैठक की है और इस मसले को उठाना चाहते हैं, जेपीसी की मांग पर अड़े हुए हैं और दोनों तरफ के जिस तरह तलवारें खींची हुई है, मान के चलिए कि आज भी सदन में कोई कामकाज नहीं होना। Zee News.